मैं YouTube को छोड़ रहा हूँ, अब से कोई वीडियोस नहीं आएंगी। थैंक्स फॉर जो भी सपोर्ट तुमने दिया, वैसे कुछ देखता तो है नहीं मेरा चैनल, तब भी थैंक्स। तो बाय। कैसा लगा मेरा मजाक? तो तुमको लगा मैं YouTube इतना जल्दी छोड़ देगा? हाँ, अभी तो 100 मिलियन क्रॉस करना है, प्यूडीपाई से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेने, बहुत बचा है। तो आज हम अपना चैनल डिलीट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दूसरों का करवाएंगे। आज हम रोस्ट करेंगे फेक पीपल्स को। तो सॉरी मैंने तुमको क्लिकबेट किया, और लेट्स गो विद द वीडियो। बोनस टाइम। तो ये एक रोस्ट के अंदर एक छोटा सा रोस्ट है रोस्टर्स के बारे में। वाह। तो पहले मैं तुम्हें एक एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू ही करेंगे। ओके तो गाइस, आज हम रोस्ट करने वाले हैं दूसरों को, सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैंने एक वीक में मैंने सबसे पहले एक शो देखा था जिसका नाम था एंड्रयू शो। तो मुझे मुझे पहले उसको देख कर ऐसा लग रहा था, अरे ये तो नोबिता और तो नोबिता डोरेमोन की कॉपी कर रहे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको लाइक कर दिया। फिर उन्होंने लाइक 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 करते गए। फिर एक वीडियो में मैंने उसको हेट फैलाई, इतनी हेट तो कोई कैरी बनाती की वीडियो को भी नहीं मिली थी जितनी मैंने फैलाई। तो एक डिस्ट्रैक में मैंने थोड़े दिन बाद ऐसे सर्च करा कि आई पी यू रोस्ट, तो भाई मुझे एक बिरजू पार्कर नाम का एक यूट्यूबर दिखाई दिया जो कि जिसने रोस्ट नहीं किया था। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने रोस्ट देखता ही गया। तो फिर एक वक्त आया, मैंने स्टार्टअप एंटरटेनमेंट की वीडियो देखी, सब एक तो बहुत अच्छी वीडियो थी, पर अभी उस वीडियो को कॉपीराइट क्लेम आ गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक शो को रोस्ट किया था जिससे उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे और उस वीडियो में लाइक से ज़्यादा डिसलाइक्स थे। तो अभी मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। अब एंड्रो पहले से लगा रखा है, फिर से क्यों लगा रहे मत? तो मैंने स्क्रिप्ट राइटर को ऐसे बोला। फिर मैंने उसको एक लाइक मारा, सब्सक्राइब मारा। उसके बाद मैंने थोड़े दिन बाद कमेंट में मैंने उसका पार्ट टू भी देख लिया। उसके बाद मैंने सर्च किया, बाद में मुझे फिर से उसकी वीडियो देखनी थी। तो मैंने ऐसे सर्च किया कि टाइम पे उसको रोस्ट, तो मुझे उसकी वीडियो नहीं दिखाई दी। तो चलो उसका बदला लेकर उसकी वीडियो वापस लाते हैं। तो चलो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरु जी का क्यों कॉपी किया भाई? है स्क्रिप्ट राइटर कही के दिखा स्क्रिप्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है आई एम प्यू शो, तो चलिए देखते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें का ना। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? पीहू तुम बताओ। हाँ ग्लोबल वार्मिंग इज पीहू पीहू हैंग हो गई क्या भाई? सब एक बात पूछनी है स्क्रिप्ट राइटर से। आपके पास एक वेबकैम नहीं था जी? बताइए ना आपके पास एक वेबकैम नहीं था जो आपने ये किया? अब साफ साफ देख सकते हो किधर वेबकैम ही नहीं है। लो देख लो, मैंने जूम करा, आपने ये देखा किधर वेबकैम ही नहीं है। क्यों भाई वेबकैम क्यों नहीं है? स्क्रिप्ट राइटर इरिटेट कर रहा था। हर बार गिर क्यों जाता है वे? ए स्क्रिप्ट राइटर तू तो बोला कैसा स्क्रिप्ट राइटर है ए।
तो चलो देखते हैं दोबारा। तेरा कैमरामैन कौन है? ये तो मैंने कहीं देखा देखा, ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अब याद आया, एक एनिमेटेड वीडियो थी उसमें एक बच्चा रुका हुआ था ऐसे। तो आजकल इतना बुरा हाल हो रखा है कि 8-8 साल के बच्चे फ्रूस्टिंग कर रहे हैं, लिटरली 8 साल के। अभी उसने पहले बोला डोरेमोन नोबिता, आर यू फ्रिकिंग सीरियस। अब वो लोग भी फेक हैं, आयू पीयूष भी फेक हैं, वो उन पर अलग वीडियो बनाएंगे कंटेंट, यू नो। अभी इस बच्चे पे ही आ जाओ, इसको भाई साहब क्या है इल्यूमिनाटी देखता है ये, इधर मैं इतना बड़ा होके नहीं देखता, ये बच्चा देखता है, ओ भाई कहाँ जा रही है जनरेशन। चलो लीव करो, तुमने ये देख लिया, अगर तुम्हें कोई ऐसा बच्चा देखे जो रोस्टिंग कर रहा है तो मैंने तो डिसलाइक मार दिया, तुम लोग भी मार दो। जय हिंद जय भारत। अभी दूसरा, अभी हम अपने वीडियो पे आते हैं। तो पहला है यार, पहले फेक यूट्यूब चैनल्स, मतलब फेक यूट्यूब चैनल वैसे नहीं, मतलब जो फेक पीपल होते हैं उनके बारे में, नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब वो कॉपीराइट मार देंगे फिर हो जाएगा। एक क्लू दे देता हूँ, पापा मेरा आईमैक नहीं चल रहा है। ये लोग ऐसे होते हैं, लिटरली ऐसे होते हैं कि भाई या तो दादा मेरी दिखाने के एकदम मस्त से चल रहा है मामला पानी, या ज़्यादा ही गरीबी दिखानी है। जैसे लक्ष्य चौधरी की वीडियो में तुमने देखा होगा पुअर लाइफ स्टाइल व्लॉग्स, उसमें तुमने सब देखा होगा कि यार वो लोग लिटरली सिर्फ नहीं बता सकता यार, वो भी कॉपीराइट मार देगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये लोग, अब तुम सच में लिटरली सोच सकते हो कि भाई माय डेली रूटीन में एकदम सब स्क्रिप्टेड, सब सही से, जो रोज़ किसी घर में नहीं हो सकता वो हो रहा है लिटरली। यार मैं यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा, उसने अपना, मैं उसको जानता था, मिला भी था उससे, उसने अपने में उसने बताया था, उसका बहुत बड़ा चैनल है वैसे, 1 मिलियन मिला हूँ बस, दो लोग चलाते हैं। उन्होंने अपने सेटअप टूर में दिखाया कि भाई मेरे पास इतने सारे कैमराज हैं, लाइट्स हैं, और फिर जब मैं उसके घर पे गया, लिटरली घर पे गया, उसने एक कैमरा रखा था, वो भी मोबाइल और एक रिंग लाइट, लिटरली वो बोल रहा था कि मैंने ऐसे तो ऐसे रख दिया, बाकी मेरा मेन कैमरा यही है। तुम देख सकते हो कितने फेक लोग होते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा दिखे तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब मत करो यार, प्लीज़। और मेरी और तुम्हें सॉरी यार, क्लिक बेट किया मैंने, तब भी फेक पीपल्स के बारे में पता ही है तुम्हें। तो इसके बारे में मेरे को वीडियो बनानी थी, बहुत दिनों से सोच रहा था, कल मैं रेज्ड अप हो गया था इसी मामले में। तो अच्छा लग रहा है कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, और अगर तुम इस वीडियो पे 10 लाइक भी हो गए ना, जो नहीं होंगे, तो मैं कल की लाइव स्ट्रीम में तुम जो बोलोगे वो खेलूँगा, लिटरली वैलोरेंट GTA 5 खेलोगे तो डाउनलोड करके खेलूँगा लिटरली। तो आई थिंक तुमको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और जय हिंद जय भारत, बाय।